तबीयत है वो थोड़ी और बेटर हो सके। ये कड़वा सा काढ़ा हमने तैयार कर लिया है। दाल खा के दाल जैसी शक्ल हो गई है मेरी। उधर बात करना चाट तो क्या किया? खास वेट कम हुआ, वेट कम हुआ। उन्हें फीवर बना दिया। मैं तेरा घर जाएगा बड़े वाले मामा ने। ओ भाई, ये ऐसी हरकतें होने वाली है मेरे साथ। पिक्चर में फेमस होने वाले बंदे। तशरीफ से भी बड़ा भला भाई। ये थोड़ा डबल मीनिंग हो गया। आप सभी को जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, नमस्ते। कल मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, रात को इंजेक्शन भी लगवा के आए, कल सुबह मैंने दवाई भी ली थी। अब जाके कल थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन गला जो मेरा है ना वो अभी भी खराब है। और रात को फिर जाके ना हम काढ़ा लेकर आए थे, पंसारी से मिलता है काढ़ा, और अभी इसको बनाकर पिए। तबीयत है वो थोड़ी और बेटर हो सके। ये कड़वा सा काढ़ा हमने तैयार कर लिया है। और नहा धो के मैं अच्छे से रेडी हो चुका हूँ, लेकिन मेरा गला आप देख सकते हैं अभी भी खराब है, और मेरी आवाज भी बहुत अजीब सी आ रही होगी। चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऑफिस के अंदर थोड़ा बहुत काम करना है आज, वो काम कम्प्लीट करेंगे। खाना बना दिया? क्या बनाया? रोटी के साथ तो और बना दिया करो, रोटी के साथ दाल। सब्जी क्यों नहीं बनाते हो? दाल 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 खा के दाल जैसी शक्ल हो गई है मेरी। दोपहर को बनाऊंगी आलू बैंगन। ठीक है, के खाने तरी वाले खाने। कौन से क्या के बनावा? तरी वाले के। तरी वाली क्या सब्जी? आलू बैंगन। आलू बैंगन सूख के बना दो, तरी वाले मेरे को नहीं पसंद। आज आप 5 बजे उठने वाले इंसान नाश्ता तो अब कर रहे हैं। 5 बजे उठ रहा था ना तू? फिर सो गया? फिर सो गया? एक मिनट जा। हाँ बोल। एक मिनट, कविता जवाब जाती है। कितने बजे उठा था बताना इसको? कविता जवाब जाती है। उधर बात करना चाह क्या की है? 5 बजे उठ गया था। सही किया क्या? उठ गए एक्सरसाइज गया था करने। कहाँ से वेट कम हुआ? वेट कम हुआ एक दिन में। अब एक दिन में वेट, तू क्या सोचते वेट कम? मेरे को नहीं फोन किया तूने। तूने मैंने क्या बोला था? 2 फोन करिए, तीसरा मत मारियो बस। अरे मैं और मम्मी गए थे। मम्मी अब मेरे को लगा तबीयत खराब होगी, इसलिए मैंने नहीं किया। कल से पक्का करूंगा। नहीं, इस लॉजिक के अंदर मेरे को ना ले जाने वाला कारण बता कि मैं और मम्मी। भैया आपने कहा था मेरे फीवर है, इसलिए हमने आपको कॉल नहीं करा। मैंने कहा था मम्मी को कि कॉल कर लेते हैं उसको, सुपर को। तो वो कहते उसकी तबीयत खराब थी, रहने दे, एक दिन रेस्ट करने दे, कल से ले लियो। तूने फीवर बना दिया? क्यों, कल रात को जब आया था तो तूने कहा था आंटी मेरे फीवर है। मिठाई खा? फीवर नहीं कहा, मैं कहा था कोल्ड है। फीवर ठीक हो गया। मीठा नहीं खाना यार। तू कर क्या रहा बोलो? शर्ट बड़ी अच्छी ले रखी है ना, फैशन कम से लिए। नीचे वो स्ट्रेट फिट पहनता हूं, मैं तेरा घर जाएगा। इसको स्ट्रेट फिट मामे ने, मैं ले रहा था एक मामे ने दिलवाई, मेरे को जमा पसंद नहीं है। घटिया लग रही है, इतनी बेकार है। मामे को मैं कह रहा था इतनी घटिया पैंट है बड़े वाले मामा ने। ओ भाई, बड़ा चाहे छोटा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल पैंट घटिया है। कुछ ला के लाऊंगा आज, स्ट्रेट फिट सस्ती सस्ती दे रखी है। दो अभी ऑनलाइन मंगाऊंगा, यहाँ महंगी। ऑनलाइन नहीं है, सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की है। किसके पास मिल रही है? ब्रांड शुभा के पास मिल रही है, और उसके पास मिल रही है क्या नाम है, विद्दी गारमेंट्स के पास। हम ऐड नहीं करेंगे, हम चुपचाप ले आएंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हम। A1 क्वालिटी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे उनकी। बैठा है पैसा देंगे वो। इस गधे आदमी को बोला था तेल डलवा ले, तेल डलवा रहे, स्कूटी खड़ी हो चुकी है। इस गधे आदमी को इतनी अक्ल नहीं थी, मतलब पूरा एटीट्यूड में चल जाएगी स्कूटी, चल जाएगी स्कूटी, चल जाएगी। अब स्कूटी में तेल खत्म हो चुका है, अब चल नहीं रही। चला इसको, मूड नहीं है उसका। मूड नहीं है, तेल नहीं है उसके, मूड नहीं है उसका चलने का, मूड नहीं है उसके चलने का। बताओ इसको धक्का लगा। मैंने तो कहा था भाई पेट्रोल डलवा लो, तुम भी नहीं कह रहे थे। नहीं भाई, पहुंच जाएगी। झूठा आदमी है, तुम्हारी कसम लगेगा जिसने बोला था चल ले पहुंच जाएगी। बड़ा झूठा आदमी है। अब 2 किलोमीटर तक धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। चल आया फिर एक बार धक्का ना मारे। चल हमारा हाथों लगाना, देख लो धक्का मारना पड़ रहा है इस पागल गेड़े को। खुद बैठ गया आराम से और धक्का मेरे से लगवा रहा है। ये ऐसी हरकतें होने वाली है मेरे साथ। चल मार के देखते हो, स्टार्ट होगी तो फिर चलते हैं। अबे रुक जा, अबे वो ओवर कर देगा, स्कूटी चालू नहीं होएगी। धक्का मार धक्का, चल 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 चल, बड़ा धक्का मार। ये हमारा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप है, ये हमारे फ्यूचर में फेमस होने वाले बंदे जो भी फेमस नहीं है पर होंगे जरूर। आगे ब्लॉगिंग पता क्यों कर रहा है? दिखा रहा है आपको कि इसने माइक लिया अभी। ये भगवान ये ना सुबह से इरिटेट कर रहा है माइक के पीछे। इसका एक माइक स्पॉन्सर कर दो यार, 1% पार्टनरशिप के लिए 1000 रुपए में। 1000 रुपए का माइक अभी GoPro दिलाएगा। पूरा का पूरा लाइटिंग का सेटअप है इधर। और ये देखो ये बड़ा सा बल्ब है। ये बल्ब कितने वाट का होगा बता साहिल? ये बल्ब इतना बड़ा है, इतना बड़ा बल्ब है कि तशरीफ से भी बड़ा बल्ब है। अभी तू वाट बताना। ठीक है, अब तेरा तशरीफ कितने वाट का, फिर मैं उस हिसाब से लगाता हूं। तशरीफ के कोई वाट नहीं है। 0 वाट का है, ये भी 0 वाट का होगा। ये बल्ब है 50 वाट। ये तेरे लिए छोटा हेयर ड्रायर 50 वाट का। इसकी लाइट दिखाऊं? अभी देखेगा तू। हो गया ना सब कुछ गो, कितना ज्यादा गोरा हो गया, सब चिट्टा चिट्टा हो गया। ये थोड़ा डबल मीनिंग हो गया। लोगों का घर नहीं है ये, मेरा कर्म क्षेत्र है। यहाँ तेरा तो कर्म क्षेत्र है, इधर लाइट के सामने आता है। ये जबरदस्ती बंदा भाई के घर में घुसा और ऊपर से ब्लॉगिंग कर रहा है कि यहाँ पे कंटेंट मिल जाए। मैं जबरदस्ती घुसा मेरा फिर करता है, मैं नहीं आना। क्यों फेमस होने का शौक नहीं है?
चलो ब्लर कर देंगे ना, काला कर देंगे बिना मुंह वाला आदमी ना, वो वाली वो स्वेटर ला के जिसके ना टोपी में भी चैन होती है, मोनेटाइज होती है तुम्हारे, मैं केस करूंगा सारा यूज कर ये क्या है वो, तो क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग दो नहीं दो पेट्रोल पंप, और ये पेट्रोल डलवा रहा है तो इसकी जैसे जो पेट्रोल खत्म हुआ था वो नुकसान पूरा हो चुका है। थोड़ा तेज बोल, माइक में इतनी भी आवाज नहीं आएगी। मेरी गलती नहीं थी, तेरी गलती थी, तेरी गलती थी भाई तेरी। तो फटाफट अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, लेट हो रहे हैं थोड़ा सा। बोल भाई कुछ तो शर्म कर ले, कंटेंट के लिए तू लोगों के घर में घुस-घुस के ना, घुस-घुस के कंटेंट निकाल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप, और ये पेट्रोल डलवा रहा है।